Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So guys, आज का vlog है एक special vlog. जैसे कि आपको पता है आज है शाहजैन की birthday, तो birthday की तैयारियाँ अभी तकरीबन 11:15 का time है, तो अभी से birthday की तैयारियाँ शुरू करने वाली हूँ. क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं, तो कल आंधी तूफान सा आया था और ये आपको नज़र आ रहा होगा गंद, ये सारा आंधी तूफान से मिट्टी और सब कुछ. वैसे तो नीचे नहीं करनी इस दफ़ा बर्थडे, इस दफ़ा ऊपर छत पे करनी है. तो ये सारी सफाइयाँ वगैरह करनी है. ये देखें गंद, गंद चेक करें. जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ कर लो, ये गंद नहीं ख़त्म होता, तो नहीं ख़त्म होता. तो ये सारी सफाइयाँ वगैरह करेंगे. और मेरा माइंड है कि ये जो है ना अलमारी सी बनी, इसके आगे मैं सोच रही हूँ कि लगाऊँ ना, जो बर्थडे की बैकग्राउंड होगा डेकोरेशन वगैरह, इसके आगे करूँ या फिर इसके आगे भी, इस दरवाज़े के आगे भी अच्छी लगेगी. लेकिन रूम में आना जाना होता है तो फिर बुरा लगता है. मेरे ख्याल से तो ये जगह सबसे बेस्ट रहेगी, तो इस जगह को करेंगे डेकोरेट. गर्मी की वजह से मत मारी है, ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं. तो ये जगह करते हैं पहले, सबसे पहले ये झाड़ू वगैरह करते हैं, पोछा लगाते हैं, सॉरी धोई करते हैं. ये पोछे वाला तो काम नहीं है, धोते हैं ये सब कुछ, ये सारा गंद वगैरह समेटते हैं. वैसे ये बाहर पड़े होते थे लेकिन रात को आंधी तूफान थी, तो ये था कि बारिश ना हो जाए तो ये गीली हो जाएगी, फिर इसको अंदर रखा है. ये बिस्तर वगैरह भी अपने मतलब पूरा ए टू जेड क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि उसके बाद कैसा रेडी हुआ. तो झाड़ू वगैरह लगा दिया, सारी चीज़ें वगैरह आगे पीछे करके, तो जगह तो थोड़ी बहुत तो खाली कर चुकी है, हो चुकी है. अब बाकी भी फाइनल आपको दिखाती हूँ आगे. सो फाइनली सफाई वगैरह सारी हो गई है, सब कुछ धो लिया मैंने. देखें आप, देखें कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है. ये पंखा भी बाहर रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी. और ये बाहर से भी सफाई की नहीं है क्योंकि अभी धूप है बहुत ज़्यादा, तो शाम को यहाँ से सफाई वगैरह झाड़ू वगैरह लगाऊँ. बाकी अंदर यहाँ पे जो बनाऊँगी यहाँ से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है. यहाँ पे मैं बाहर, मेरा दिल है कि सोफ़े वगैरह यहाँ पे रख दूँ और वहाँ पे रैग रख दूँ नीचे फ्लोर पे, और यहाँ पे फिर करनी है सेटिंग. अब देखते हैं इसके आगे कौन सा पर्दा लगाऊँ, कौन सा अच्छा लगेगा, वो लगा के फिर उसके आगे फिर जो डेकोरेशन करनी है वो मैं करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे सोफ़े वगैरह मैंने रख दिए हैं, यहाँ पे बनेगा बैकग्राउंड और ये सोफ़े वगैरह, ठीक है. ये चरपाई भी पड़ी है, बाहर धूप है और हस्बैंड ने कबूतर खोले हुए, इसलिए ये अंदर किए हैं. बाद में ये बाहर कर दूँगी चरपाइयाँ. ये झूला भेड़ा गर्क हो गया इसका, यहाँ पे बनाते हैं बैकग्राउंड, फिर दिखाते हैं आपको. यहाँ पे ये मैंने काफ़ी बड़ी सी चादर लगा के इसको कवर कर दी, इसको इग्नोर करना क्योंकि इसी पे चढ़ के मैंने कील लगा के इसको सेट किया. तो ये सारा मैंने समझो ये सारा हमारा हो गया बैकग्राउंड. अब इसके आगे करना है जो कुछ करना है, मतलब जो भी डेकोरेशन करनी है ना इसके आगे करनी है. और ये पर्दा मैंने हटा दिया क्योंकि ऐसे ना जगह इन्हेंस नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी लिमिट में जगह हो रही थी, मैंने ये हटा दिया. अब एक सोफ़ा इधर रख दूँगी, इससे जगह भी काफ़ी खुली खुली हो जाएगी ना. मैं सारा कुछ रख के सारी सेटिंग करके फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ. ये सोफ़े दो को मैंने इधर लगा दिया, ये वाला इधर ही है, और ये दो, इन दोनों को मैंने इधर लगा दिया. अब आई थिंक इतने इनव होंगे, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो चेयर्स वगैरह लगा लेंगे. अब नेक्स्ट बारी आती है देसी माओ की देसी जुगाड़. अब मैं चाह रही थी कि टेबल थोड़ा मतलब हाइट में हो,
जो नॉर्मल टेबल होते हैं आपको पता है उनकी हाइट इतनी नहीं होती, तो ये नीचे पड़ी हुई थी। अब मैं सोच रही हूँ इसको जुगाड़ लगाने की। ठहरे, मैं आपको कैमरा एक जगह पे सेट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सेट कर रही हूँ। ये काफ़ी हद तक मैंने सेट कर दिया है। ये देखिए टेबल कितना प्यारा लग रहा है। अब इस पे केक स्टैंड वगैरह और डेकोरेशन की आइटम्स रख के तो कर लेंगे। अब इधर पीछे जो डेकोरेशन की चीज़ बैकग्राउंड लगाना है वो लगाते हैं। ये दुपट्टे वगैरह लगा के और ये आके झालर लगा के ये सारा कर दिया है। ओके, ये मशीन उठाऊँगी बाद में ना, अभी पहले। अब इसके बाद हम कर रहे हैं बलून रेडी। कर रहे हो? मम्मा मैं अभी चढ़ाऊंगा। ये आपसे नहीं चढ़ते, ये मैं खुद चढ़ाऊंगा। मुझे खुद चढ़ाने दो ना, चढ़ाऊंगा। वो पागल, ये नहीं आपसे चलते। गाइस, ये सांप मैंने बना लिया है, सांप ही लग रहा है। अभी इसमें बलून, ब्लैक जो बलून है ना, एक एक करके इसमें ऐड करना है ना। वो जब लगा लूँगी ना फिर ऐड करूँगी, क्योंकि वैसे एक एक ब्लैक लगाना ना तो फिर वो गायब हो जाएगा अंदर ही। पहले लगा के ना फिर ऊपर करके ब्लैक सेट करूँगी। तो ये ऊपर लगाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये हो गई है रेडी। ये देखिए, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। लेकिन ये अभी सिर्फ बैकग्राउंड रेडी हुआ है, अभी इधर उधर हर तरफ गुब्बारों से सजाना है। वैसे आप बताइएगा कैसे लगे। और जैनी के लिए जो कैप है वो मैं देख के आ रही हूँ। ये जो दो ब्लैक कैप है ये शाहजेब और शाहजैन के लिए लाई हूँ, बाकी बच्चों के लिए। तो ये अब फाइनली गाइस मेरा सारा सेटअप हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी भी मज़ीद बलून वगैरह पड़े हैं, लेकिन बस मेरी बस हो गई, मैं थक गई बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा बस आप फिर बाद में देखा जाएगा। और ये सोफे पे बैठ के मैं आराम से इंजॉय कर रही हूँ। काश इसी तरह सारी बर्थडे गुजर जाए और मैं ऐसे बैठी रहूँ। ये जो टेबल रखा है इस पर मैंने शाहजैन की जो पिक्चर्स वगैरह फ्रेम करवाई हैं ना, शाहजैन और शाहजेब की, वो रखनी है। और वो याद आया, शाहजैन की पिक्चर्स भी रहती हैं, वो भी अभी इधर लगानी है। वो भी नीचे से ले के आते हैं और लगाते हैं। और ये देखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। एच बी और जो डी था वो शाहजेब ने फाड़ दिया, तो मेरा ये है कि जब केक लेने जाऊंगी तो वो डी भी ले आऊंगी। तो ये हो गया फाइनल। अभी थोड़ी देर बाद जब मुकम्मल धूप चली जाएगी फिर यहाँ से भी सारी सफाई करनी है, तो जाते हैं अपना जो केक स्टैंड है वो भी लेके आते हैं। और इस
टेबल के लिए जो ये कपड़ा मैंने रखा हुआ है इसको भी प्रेस करके लाते हैं और पिक्चर्स वगैरह सारे लेके आते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये पिक्चर्स भी यहाँ आ गई हैं, ये देखिए, और ये भी। टेप के साथ लगाया ना, ये सही से अटैच नहीं हो रही, गिर रही है बार बार। जैनी नहीं करो। और ये पड़ी है जैनी की गाड़ी, इसको भी अखबार के साथ फुल कवर करेंगे ताकि जब जैनी खोले तो वो सरप्राइज हो जाए। ये शाहजैन की गाड़ी को भी मैंने कवर अप कर दिया है, यहाँ से थोड़ी शो है, वो नीचे जाऊँगी दोबारा और अखबार लेके आऊँगी, फिर वो इसको कवर कर लूँगी। तो ये कवर कर लिया। अब ये जैनी के काम देखो, सारी चीज़ें इकट्ठी कर करके रख रहे हैं। अब मिलेंगे रात को, जब बर्थडे होगी ना तब मिलेंगे। ओके बर्थडे में आ गया है एक ट्विस्ट, इतनी तेज़ बारिश, आंधी, तूफान, अल्लाह करे मेरा जो सारा मतलब सीन है वो ना ख़राब हुआ हो। बाकी बारिश तो ठीक है, अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा, मज़ा आएगा। और ये देखिए मज़े की बारिश। जा रहे हैं केक लेने और आइसक्रीम लेने, और जो मशीन दी हुई थी वो भी उठाने, तो लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं। केक आ चुका है, मैं आपको छोटी सी इसकी लुक दिखा देती हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। बाकी लुक आपको जब वहाँ पे सेट करूँगी तब दिखाऊँगी, अभी मैंने किसी को भी नहीं दिखाया, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये माशाल्लाह मेरा छोटा शहजादा, छोटा शहजादा तैयार हो चुका है ना। मेरा शहजादा तैयार हो चुका है, जाओ बाबा को दिखा के आओ, बाबा को दिखा के आओ। ये जा रहा है बाबा को दिखाने, अब करेंगे शेबी को तैयार। शाहजेब भी हो गया है तैयार, मेरी बेटियां रानियां दोनों हो गई हैं तैयार, और दानियाल और मामा भी हो गई है तैयार। खाना मामा खैर जो ना, अभी वीडियो बनेगी तो दिखाऊंगी ऐसे सामने। हेलो गाइस, बोलो बोलो, आज बर्थडे में हमारे साथ रहिएगा। चलिए अब इनको तैयार करके खुद भी कुछ लिपस्टिक वगैरह लगा के फिर आगे नेक्स्ट सीन आपको दिखाते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ जैनिका में छोटा सा फोटोशूट कर रही थी और आपको बताया था बारिश और आंधी, ये सारी रेड लड़ियाँ उतर गई, पर कोई नहीं, खैर है ऐसे भी हम प्यारे लगेंगे। ठहरो ना, ये इधर रखो ना, वीडियो बना रहे हो। हाँ आप ही बनाना, इधर देख, इधर मामा की तरफ देखो, खुद पकड़ना, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे, इधर देखो मामा की तरफ, इधर, हाँ ऐसे, देखा कितना प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा। और ये छोटी छोटी मोटी डेकोरेशन मैंने की है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही है। और ये हवा देखे, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये ड्रेस मैंने स्टिच किया था। हाँ चलो, और ये बाकी सब तो आपको दिखाया। और ये केक स्टैंड ये थोड़ा सा टूट गया था, है ऐसे सेट कर लेंगे। नहीं नहीं नीचे नहीं फेंकना, पागल टूट जाएंगे ना ना, अंदर नहीं जाओ। और ये शाहजेब, शाहजेब इधर देखो, बाय बाय करो, आप भी बाय बाय, और ये बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़।
ये चाट वगैरह का इंतज़ाम हो चुका है। सो ये है केक, ये टू ईयर और ये सारा सीन। अब सब आ गए हैं और सब, अब हम केक काटने का सीन करते हैं, फिर आपको साथ दिखाते हैं। केक लेना है आपको? केक नहीं मिला? अच्छा अच्छा मैं केक दूँ ना। ये थी आइसक्रीम जो कि हो गई है फिनिश, और ये है, ये बची है मेरी, तो मैं भी खाती हूँ साथ, इंजॉय करती हूँ। और चाट कॉफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, रह गई है, और केक भी फिनिश हो चुका है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और ये मेरा ड्रेस था। सो ठीक है, अब हम अपना व्लॉग करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।